आज जो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे अनुगमन वेग के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा की पहले वाले वीडियो में अनुगमन वेग के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनुगमन वेग के सूत्र की स्थापना। तो यहाँ देखते हैं अनुगमन वेग के सूत्र की स्थापना। तो माना एक चालक ए बी, यहाँ पे मैं एक चालक बना देता हूँ, इस साइड में जगह पड़ी हुई है। माना एक चालक ए बी, ये हमारे पास में चालक ए बी। माना एक चालक ए बी जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, व इसकी लंबाई कितनी है स्मॉल एल हो, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के दौरान इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है काफी वो सब गति करेंगे जब इसको हम किसी बाह्य स्रोत या बैटरी से जोड़ देंगे। डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों के औसत को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये आपस में टकराएंगे भी, यानी टकराएं कि U1, U2, U3, UN डॉट डॉट करके है। तो इस तरीके से जब हम U एवरेज निकालेंगे यानी इसका औसत निकालेंगे प्रारंभिक वेग का, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 इस तरह UN बटे N तो आएगा हमारे पास में 0। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे। अब यदि इस चालक का संपर्क बाह्य स्रोत से किया जाता है, इस बैटरी से कर देते हैं, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस पर एक बाह्य बल कार्य करेगा, कौन सा बल, यह बराबर QE। आप पहले पढ़ चुके हैं फिजिक्स में यह बराबर QE होता है। और यहाँ आवेश Q बराबर क्या लेंगे, माइनस का इलेक्ट्रॉन, विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ यह बराबर माइनस, क्यों की जगह हम इलेक्ट्रॉन रख लेंगे ई। तो समीकरण नंबर एक हो गया। न्यूटन के गति के नियम से, ये न्यूटन का गति का नियम, उसमें से बल निकलता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यह बराबर एम ए। तो देखो यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, समीकरण दो एक व दो से एफ एफ बराबर है, तो इधर का भी पक्ष बराबर करेंगे, एम ए बराबर माइनस ई। तो यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे बराबर, तो एम बटे में चला जाएगा, माइनस ई बटे एम आए। आगे देखते हैं, यदि एक ही दिशा में, यहाँ से यदि एक ही दिशा में वियोजित इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग v1 v2 v3 .vn हो, तो गति की समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u plus at। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम v1 v2 v3 निकालेंगे, मतलब औसत वेग निकालेंगे, तो क्या होगा v1 v2 v3 vn बटे n। अब देखो v1 कैसे निकालेंगे, इधर साइड बता देता हूं, v1 बराबर u1 हो जाएगा और a रहेगा, लेकिन यहाँ टी की जगह टाऊ लेंगे, टाऊ वन यानी श्रांति काल। इसी प्रकार से V2 में U2 ए टाऊ टू इस तरीके से रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसका U1 प्लस ए टाऊ वन, U2 प्लस ए टाऊ टू, इसी तरह से U3 और इस तरीके से। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया है U2 प्लस UN प्लस टाउ एन बटे एन। अब हम U1 U2 U3 जितने होंगे वो हम एक जगह कॉमन कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN बटे एन, और टाउ एन वाले मतलब A टाउ एन प्लस A टाउ टू प्लस इस तरीके से A टाउ एन वाले एक पास कर लेंगे, उसमें एक कॉमन ले लेंगे, और बटे में कितना रहेगा, यहाँ पे इसके बटे में रहेगा एन, इसके भी बटे में एन रहेगा, दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से इसका मान तो कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट जीरो, क्योंकि हम पहले ये भाई यू एवरेज ही तो है, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हम पहले यहाँ पे कर चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यू एवरेज इक्वल टू जीरो। और इसका हमारा क्या हो गया ए, और इसका पूरा को मान लिया हमने टाउ, टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन और बटे एन। तो इस तरीके से बी डी बराबर क्या आ चुका है हमारे पास में, आपको दिखाई दे रहा होगा ए टाउ, ए टाउ। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर आते हैं पुनः अपने तरफ में, और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लिखा है VT बराबर A, और A का मान ये वाला रख देंगे माइनस ई बटे एम और ये टाउ। तो ये हो गया अनुगमन वेग का फार्मूला, प्रूव हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुगमन वेग और धारा के संबंध की।